नमस्कार दोस्तों, मैं सुकुमार आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल ASP Info Hub में। दोस्तों, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुँच सके जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अमृतसर जंक्शन और विशाखापट्टनम जंक्शन के बीच चल रही है। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है हीराकुद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, जब यह ट्रेन अमृतसर जंक्शन से विशाखापट्टनम जंक्शन की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 20808, और जब यह ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन से अमृतसर जंक्शन की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 20807। दोस्तों, इस ट्रेन की रैक शेयरिंग एक ट्रेन के साथ है जिसका नंबर है 20811 20812। दोस्तों, इस ट्रेन को अमृतसर जंक्शन से विशाखापट्टनम की तरफ ले जाने का काम विशाखापट्टनम बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन WAP-7 करता है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस ट्रेन में कौन कौन से कोच हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के सभी कोच LHB रैक के हैं, 2 EOG कोच हैं, 4 सेकेंड सीटिंग के कोच हैं, 1 सेकेंड AC का कोच है, 3 थर्ड AC के कोच हैं, 1 पेंट्री कार है, 7 स्लीपर कोच हैं। टोटल दोस्तों इस ट्रेन में 18 कोच हैं। दोस्तों, यह ट्रेन अमृतसर जंक्शन से विशाखापट्टनम जंक्शन के बीच का डिस्टेंस जो कि 2570 किलोमीटर का है 45 घंटे 45 मिनट में पूरा करती है। इस बीच दोस्तों, यह ट्रेन 43 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है और 366 इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती है। इस बीच दोस्तों, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर पर घंटे की होती है और मैक्सिमम दोस्तों इस ट्रेन को 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, यह ट्रेन अमृतसर जंक्शन से विशाखापट्टनम जंक्शन की तरफ हफ्ते में 3 दिन रविवार, बुधवार और शनिवार को जाती है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यह ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। जैसा कि दोस्तों, यह ट्रेन अमृतसर जंक्शन से चलती है, फिर ब्यास जंक्शन पहुँचती है, फिर जलंधर सिटी जंक्शन पहुँचती है, फिर लुधियाना जंक्शन पहुँचती है, फिर अम्बाला कैंट जंक्शन पहुँचती है, फिर पानीपत जंक्शन पहुँचती है, फिर न्यू दिल्ली पहुँचती है, फिर हज़रत निजामुद्दीन पहुँचती है, फिर मथुरा जंक्शन पहुँचती है, फिर आगरा कैंट पहुँचती है, फिर ग्वालियर जंक्शन पहुँचती है, फिर दतिया पहुँचती है, फिर झांसी जंक्शन पहुँचती है, फिर ललितपुर जंक्शन पहुँचती है, फिर बीना मलखेड़ी जंक्शन पहुँचती है, फिर पुरई पहुँचती है, फिर सागर पहुँचती है, फिर दमोह पहुँचती है, फिर कटनी मरवारा पहुँचती है, फिर उमरिया पहुँचती है, फिर शहडोल पहुँचती है, फिर अनूपपुर जंक्शन पहुँचती है, फिर पेंड्रा रोड पहुँचती है, फिर बिलासपुर जंक्शन पहुँचती है, फिर अकलतारा पहुँचती है, फिर चंपा जंक्शन पहुँचती है, फिर शक्ति पहुँचती है, फिर खरसिया पहुँचती है, फिर रायगढ़ पहुँचती है, फिर ब्रजराज नगर पहुँचती है, फिर झारसगुंडा रोड पहुँचती है, फिर संबलपुर जंक्शन पहुँचती है, फिर रैरा खोल पहुँचती है, फिर अंगुल पहुँचती है, फिर तालचेर पहुँचती है, फिर धैनकनल पहुँचती है, फिर भुवनेश्वर पहुँचती है, फिर खुर्दा रोड जंक्शन पहुँचती है, फिर बालूगांव पहुँचती है, फिर छतरपुर पहुँचती है, फिर ब्रह्मापुर पहुँचती है, फिर पलासा पहुँचती है, फिर श्रीकाकुलम रोड पहुँचती है, फिर विद्यानगरम जंक्शन पहुँचती है और फिर अपने डेस्टिनेशन स्थल विशाखापट्टनम जंक्शन पहुँच जाती है। तो दोस्तों, इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आइए देख लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने इस ट्रेन के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना और इस ट्रेन की स्पीड को देखा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस ट्रेन के टाइम टेबल और किराए की जानकारी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, किराया कभी भी घटिया बढ़ सकता है और टाइम टेबल कभी भी चेंज हो सकता है। और दोस्तों, जैसा कि यह कोरोना का समय चल रहा है तो यात्रा के लिए स्टेशन पर आने से पहले ट्रेन के आने की जानकारी अवश्य ले लें और आप यह जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर ले सकते हैं और अपनी ट्रेन के आने की कंफर्मेशन मिलने के बाद ही स्टेशन पर आएं और यात्रा के दौरान मास्क अवश्य पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अपनी यात्रा को सावधानीपूर्वक पूरा करें।
तो दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। धन्यवाद दोस्तों।